वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। जनरल बाजवा पर क्या एक बार फिर से इमरान खान की किरकिरी हो गई है? क्या एक बार फिर से इमरान खान की मुश्किलें उनके करीबी ने बढ़ा दी है? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत इन दिनों रोलर कोस्टर राइड की तरह हिचकोले ले रही है। इमरान खान के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा तो पहले ही देखने को मिल चुका है, लेकिन इस बार तो आवाम ने ही कप्तान को रिजेक्ट कर दिया। नियाजी ने हाथ पांव खूब मारे, लेकिन खुद की कुर्सी को बचा ना सके। इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी इमरान पर एक और संकट गहरा गया है। क्या है पूरा मामला, हम आके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ अमल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का गेम ओवर हो गया है। लोकतंत्र की हत्या के बाद भी नियाजी अपनी कुर्सी को बचा ना सके। रही कसर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी, ये कहकर के फिलहाल चुनाव करा पाना मुश्किल है। ऐसे में एक बार फिर से ग्लोबल मंच पर इमरान खान की पिटाई उनकी ही पार्टी के नेता ने कर दी और उनकी पोल खोल कर रख दी। इमरान खान की पार्टी के एक नेता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पीटीआई के नेता और भंग हो चुकी नेशनल असेंबली के मेंबर आमिर लियाकत हुसैन ने नियाजी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। हुसैन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि इमरान खान पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा को पद से हटाना चाहते थे। इस वीडियो में इमरान खान के खिलाफ उनके तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुमने सेना में बगावत की कोशिश की है, जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की है। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझे फोन कर कहा था कि वो पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल बाजवा को हटाने की योजना बना रहे हैं। अब वो कौन है, इस बात का खुलासा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है जो मैं आज कह रहा हूं। वो यही चुप नहीं बैठे, उन्होंने आगे इमरान खान की पोल खोलते हुए कहा कि मैं ऐसी कई चीजों को जानता हूं और अगर मैंने उन चीजों को उजागर कर दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान ने अपने खिलाफ विपक्ष के कदम के पीछे जिस विदेशी साजिश को ठहराने के लिए एक लेटर को पेश किया था, वो लेटर फर्जी है। हम में से कोई भी देशद्रोही नहीं है, लेकिन आपने हम सभी को देशद्रोही करार दिया है। मैं वहां मतदान के लिए भी पहुंचा, लेकिन वहां पर जब तक मैं पहुंच सका दरवाजों को बंद कर दिया गया। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है हम लोग, गद्दार नहीं है। आपने अराकीन कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है, और मुझे, मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं, और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने रद्द कर दिया, जिसके बाद इमरान खान ने संसद को भंग करने की मांग की। और ताज्जुब की बात है कि राष्ट्रपति ने इस मांग को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद इमरान खान ने विपक्ष पर कई आरोप मढ़े और अमेरिका के साथ साजिश करने का भी आरोप लगाया। खैर, नियाजी कितनी भी डायलॉगबाजी कर ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि इमरान खान के लिए अब खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, और खुद के लिए दोबारा से पीएम पद का सपना देख रहे इमरान खान के लिए आगे की डगर और भी कठिन होती जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।